ये देखिए इस तरीके से हमने कपड़ा लिया है, कोई भी बचा हुआ कपड़ा ले सकते हैं आप इसमें। ये मैंने लिया है 10 इंच और इसकी लंबाई मैंने ली है 19.5 इंच। अब हमें क्या करना है, हम पहले से शेप देते हैं, यहाँ से इसे इस तरीके से फोल्ड करना है। ये मैंने फोल्ड कर लिया। फोल्ड करने के बाद 4 इंच पे आपको निशान लगाना है। 4 इंच पे निशान लगाया, यहाँ से 4 इंच पे निशान लगाया। अब यहाँ कॉर्नर से 1 इंच आपको अंदर की तरफ आना है। वन इंच पे निशान लगाया सीधा स्ट्रेट इस तरीके से। यहाँ ऊपर की तरफ से इसे हल्की सी गोलाई दे दीजिए इस तरीके से। इसी शेप में इसकी कटिंग कर लीजिए। ये इस तरीके से ऊपर की तरफ मैंने इसे शेप दे दी। अब हम यहाँ इसे नीचे की तरफ से शेप देंगे। जैसे शेप देते हैं तो इस वाले पीस को पकड़ना है, इस वाले पीस को पकड़ के यहाँ पे रखना है और यहाँ की तरफ से हमें इसे शेप देनी है। 1 बाय 1 इंच की हमें शेप देनी है, तो 1 इंच का निशान इस तरफ लगाना है, 1 इंच का निशान ऊपर की तरफ लगाना है इस तरीके से। 1 बाय 1 इंच का इस ब्लॉक की कटिंग कर लीजिए। ये देखिए ये मैंने इस तरीके से कट कर लिया। तो जब आप इसे ओपन करेंगे तो ये हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। ये तो हमारा कटिंग हो गया। अब हमें क्या चाहिए, एक पीस लाइनिंग सेम साइज की। इसमें हमने अभी शेप नहीं दी है, बाद में देंगे। और इसके अंदर इंसर्ट करने के लिए एक बुकरम है आपके पास, बुकरम यूज कर सकते हैं, राइस बैग, आटा बैग, रबर शीट, फॉर्म शीट, कुछ भी आप इसमें यूज कर सकते हैं। तो एक पीस फॉर्म शीट का, चलिए हम बनाना शुरू करते हैं। सबसे नीचे फॉर्म शीट रखनी है, उसके ऊपर ये लाइनिंग वाला कपड़ा रखना है। और सबसे ऊपर हमने ये जो कट किया है इसे रखना है सीधी तरफ, अंदर की तरफ, सीधी तरफ, सीधी तरफ इस तरीके से इसे इसके ऊपर रख दीजिए। शेप में हमने ये कटिंग किया हुआ है, इसी शेप में यहाँ नीचे की तरफ सिलाई नहीं लगानी है। यहाँ से सिलाई लगाते हुए, यहाँ से पूरा सिलाई लगाते हुए, पूरा यहाँ पे, यहाँ तक इस पे सिलाई लगा। ये देखिए ये मैंने सारे पे सिलाई लगा ली जिस शेप में कपड़ा कटिंग था। अब ये जितना भी एक्स्ट्रा है इसे इसी शेप में कट कर लीजिए। एक्स्ट्रा कटिंग कर लिया तो 1 सिंगल पीस आ गया। अब साइड में इसके जो कॉर्नर्स है यहाँ पे नोचेस लगा दीजिए ताकि इजिली टर्न हो जाए। नोचेस लगाने के बाद यहाँ से हम इसे पूरा सीधा कर लेंगे। तो यहाँ से कर लिया, यहाँ से जहाँ से इसे सीधा किया था यहाँ से इसे अंदर को फोल्ड कर लीजिए। इस तरीके से फोल्ड करना है आपको अंदर की तरफ। इस तरीके से फोल्ड करते हुए जहां से ओपन है इस पे पूरे पे टॉप स्टिच लगा ली। ये मैंने इसके ऊपर पूरे पे टॉप स्टिच की सिलाई लगा ली। तो ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसमें छोटी छोटी दो पॉकेट्स लगा देते हैं अगर अंदर आप लगाना चाहते हैं तो। 2 पीसेस लिए मैंने पॉकेट के लिए। इसके मेजरमेंट बता देती हूँ मैं आपको क्या है, 7.5 इंच, 5.5 इंच। अब आपको करना क्या है, इसे यहाँ से ऊपर की एक तरफ से यहाँ से इस तरीके से सिलाई लगा के इसे और इसे दोनों को रेडी कर की तरफ से सिलाई लगा ली। अब एक पॉकेट को लेना है, ये जो कट है नीचे वाला कट, इस कट के पास रखना है इस तरफ, इस तरीके से फोल्ड करते हुए चारों तरफ से। ये मैंने फोल्ड कर लिया, यहाँ से लेके यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए। तो एक पॉकेट इस तरफ लगा लीजिए और एक इस तरफ लगा लीजिए इस तरीके से फोल्ड करते हुए। तो एक पॉकेट यहाँ पे और एक पॉकेट यहाँ के अटैच कर दी, एक पॉकेट इस तरफ और एक पॉकेट इस तरफ। अब इस तरीके से वेलक्रो, अगर आप वेलक्रो यूज कर रहे हैं, मैग्नेटिक बटन यूज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक बटन। इस तरीके से एक पीस लेना है, यहाँ पे लगा लीजिए सिलाई के साथ और दूसरा हमारा यहाँ पे आएगा, तो एक पीस को यहाँ पे अटैच कर लीजिए, एक पीस को यहाँ पे और ये फ्लैप के साथ यहाँ पे, एक पीस इधर एक पीस इधर। तो सिंपल, यहाँ पे दो पॉकेट्स
वेलक्रो लगा लिए हैं, तो सिंपल वन पीस हमारा रेडी हो गया। पहले हम स्ट्रैप बनाते हैं। स्ट्रैप बनाने के लिए इस तरीके से कपड़ा लिया है, 2.5 इंच यहाँ से फोल्ड है। अगर आप स्ट्रैप की लंबाई लंबी रखना चाहें तो अपने अकॉर्डिंगली रख सकते हैं। फोल्ड में 21 इंच इसे फोल्ड करके रेडी कर लीजिए। वन फोल्ड, टू फोल्ड और एक और फोल्ड, सिलाई लगा के स्ट्रैप को रेडी कर लगा के मैंने रेडी कर लिया। अब ये वाला पीस लेना है यहाँ ऊपर की तरफ, फ्लैप की तरफ एक स्ट्रैप को यहाँ पे रखना है और दूसरे वाला पीस इसका यहाँ पे रखना है इस तरीके से, ऐसे यहाँ पे सिलाई लगा लीजिए और यहाँ पे स्ट्रैप को इस तरफ एक इस तरफ अटैच कर लिया। इसे इस तरीके से फोल्ड कर लीजिए, ये मैंने फोल्ड कर लिया। यहाँ से लेके यहाँ तक दोनों तरफ इस पे सिलाई लगी, दोनों साइडों पे सिलाई लग गई। अब इसका बेस पकड़ना है इस तरीके से, यहाँ पे यहाँ से लेके यहाँ तक सिलाई लगा लीजिए और ये वाला बेस पकड़ के यहाँ से लेके यहाँ तक, ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली यहाँ से लेके यहाँ तक, इस तरफ भी और इस तरफ भी दोनों तरफ सिलाई लग गई। अब यहाँ से इसे सीधा कर लीजिए, अच्छे से कॉर्नर्स निकाल लीजिए सारे। ये देखिए मैंने इसे सीधा कर लिया। तो सीधा करने के बाद ये स्लिंग बैग हमारा कुछ इस तरीके से दिखेगा। फ्रंट साइड, बॉटम देखिए काफ़ी अच्छा बना है। साइड्स यहाँ से वेलक्रो ओपनिंग के साथ है। यहाँ पे अंदर देखिए काफ़ी ज़्यादा स्पेस है। टू पॉकेट्स हमारी है इसके, एक पॉकेट यहाँ पे, एक पॉकेट यहाँ पे है। देखने में बहुत ही सुंदर, बनाने में बहुत ही आसान। तो ये हमारा स्लिंग बैग बिल्कुल रेडी हो गया।